जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी पर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट टेबल निकल के आया है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है रिगार्डिंग ओआरओपी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगियों को बता दें, यहाँ पे एक बड़ी इन्फॉर्मेशन साझा हो गई है। साथ ही में एक हमारे पास लेटर निकल के आया है जो कि पीसीडीए प्रयागराज मतलब डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस की तरफ से निकल के आया, ये इसके बारे में पूरा बताएंगे और इसके बारे में पूरा बताएंगे, सब कुछ जानकारी विस्तार से देखेंगे। उससे पहले बता दें कि ये जो लेटर है वो द एक्सरसाइजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से है और आपको ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी टू का जो एरियर है वो कब तक आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि दिनांक 30 तारीख जो हमारा है, दिनांक 30 अप्रैल, उससे पहले आना था लेकिन नहीं आया और आज हो गया है 3 मई। तो मैं बता दूं आपको कि जल्द से जल्द पेंशन धारक और पेंशन भोगियों को मिलेगी सौगात, लेकिन काफ़ी पेंशन भोगियों को अभी तक निराश है कि उनको एक भी नई इंस्टॉलमेंट देखने को मिला। तो मैं बता दूं कि काफ़ी लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिल चुका है, मतलब उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया है और आगे जो ओआरओपी का एरियर है फैमिली पेंशनर का और ग्लेंट्री अवार्ड का, उनको धीरे धीरे उनके अकाउंट में पूरा पैसा आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ ही में बता दें, एक हमारे अखंड सैन्य एकता है जो कि 30 अप्रैल को जो मुहिम चला था जिसमें अपना आवाज़ों को उन्होंने बुलंद किया था और यहाँ पे देख सकते हैं आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, सब कुछ लिखा हुआ है। ओआरओपी टू में भरी विसंगतियाँ, युद्ध विधवाओं और जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन धारक है जो एक्स सर्विस मैन है उनको वीर नारियों के संबंध में यहाँ पे एक ज्ञापन डाला गया है। ये ज्ञापन का मतलब है कि आपकी जो एनोमलीज है, जो डिस्क्रिपेंसीज है, वो सरकार तक रखी गई थी, तो उसके बिहाफ में कोई आंसर आया, कोई रिप्लाई आया अभी तक कि इसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि ओआरओपी में पीएमआर को भी ज्वाइन किया जाए, मतलब कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, जो फौज में कलर सर्विस से पहले लाइन तोड़ कर लेते हैं, उनको भी संपूर्ण हक मिलना चाहिए। सभी पेंशन धारक और पेंशन भोगियों को राम राम। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। जी ये पूरा हमारे पास निकल के आया है। जैसे कि इक्वल एमएसपी पर बात रही, तो इक्वल एमएसपी पे मैं बता दूं आपको कि एमएनएस को 10,500, ऑफिसर को 15,500 और ओआर को 5,200, जबकि यहाँ पे इसको इक्वल की मांग की जा रही है। तो काफ़ी कुछ आगे इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। आपके वेलफेयर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।